अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। ख़ातिन हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेज मैक टीवी का मेज़बान मेजर मुसर्रत रिटायर्ड आपसे मुखातिब है और आज एक नई वीडियो लेकर आया है जो कि औरंगी टाउन में एक स्कूल चल रहा है जो बिहार वेलफेयर फाउंडेशन चला रही है और उसके रू रवा जो हैं वो शमशुल हुदा साहब जो कि शमा होम स्कूलिंग सिस्टम का एक सिस्टम चला रहे हैं जिसमें वो डिफरेंट स्कूल्स रन करते हैं। तो ये जो है ये उनके औरंगी टाउन में उसमें एक मेडिकल टाउन भी लगा, मेडिकल कैंप भी लगा और एक उसके बाद तकसीम इनामात भी हुई जिसका के अहवाल आप आगे वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपने मीज मैक टीवी चैनल नहीं किया हुआ सब्सक्राइब तो कर लें। कॉलेज ऑफ फार्मेसी की स्टूडेंट है मेरी, मैं वहाँ पढ़ाता था। अच्छा, ये प्योरली जो स्टैंडर्ड है ना हॉस्पिटल फार्मेसी में कॉमर्स से दवाई दे, मैं अपने ग्रुप में वो चलाता हूँ, ये कॉमर्स से दवाई दे रहा है, डॉक्टर रिकमेंड करता है कॉमर्स से दवाई देगा, इस पी एस की डिग्री है। ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم الكبير ولو شاء الله ما اقتتلوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا बिहार वेलफेयर फाउंडेशन और बिहार वेलफेयर स्कूलिंग सिस्टम की तरफ से मैं तमाम मुअज्जिज़ मेहमान और टीचर्स एक यादगार डेट ये बेटा इसको पकड़ के सिविनियर पेश करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं रेहान भाई को बुलाता हूँ। सबसे पहले रेहान भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुषा है, मैं क्लास 9 की तालिबा हूँ। मेरा ताल्लुक बिहार वेलफेयर फाउंडेशन स्कूलिंग सिस्टम से है। आंखों को बचाना चाहती हूँ सदर वकार, आंखों को बचाना चाहती हूँ सदर वकार, कभी आंखों से मजीद जुल्म नहीं देखे जाते सदर वकार। मेरा ताल्लुक उस बिहारी कौम से है जिसने इस पाकिस्तान की खातिर दो बार हिजरत की, वो बिहारी जो सैयद आना शहीद की तहरीक के मुजाहिद में मौलाना इनायत अली और मौलाना सादिक अली की सूरत में पेश पेश थे, वो बिहारी जिनके जेर निगरानी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के दौर में भी शरीयत के मुताबिक फैसला करने के लिए इमारत का शरिया कायम थी, वो बिहारी जब 1906 में मुस्लिम लीग पहला जलसा हुआ वो नवाब इस्माइल की सूरत में पाकिस्तान के कयाम की जद्दोजहद में मसरूफ था, वो बिहारी जो सर आला इमाम की सूरत में हिंदुस्तान का वाहिद कायम मकाम था। सदने वकार, अगर पाकिस्तान सदने वकार अगर किसी कौम का खून हिजरत पाकिस्तान के लिए बहाया गया तो वो ब्लड फ्रॉम बिहार की सूरत में उन्हीं बिहारियों का था जब 1946 में पाकिस्तान बनने से कबल ही बिहारी में सारा समाने की हालात में लियारी इलाके बिहार कॉलोनी की जानी से हिजरत का आवाज के सफर का आवाज करना शुरू करते हैं तो दुश्मन की जानी होने वाले हर हर बार सीने में बेबस करते करते जमाने हाल से दुश्मन को ये पैगाम देते हैं कि सदर वकार मैं शिकस्ता बाहों का भी नाकाबिल शिकस्त हूँ। सदर वकार मंजर तब्दील होता है, वही बिहारी हिंदुस्तान में अपनी तालीम की किरदार की वजह से जाना जाता था, पाकिस्तान में भी किसी का जरा ही शिकस्त दो चार
और सदर वकार आज मैं अपनी हस्ता हाली और खुद पर होने वाली माशी जुल्म और इक्तदार की इन काले नाकों से सवाल करती हूँ कि आज तुम राम के मोहम्मद का हलमान के दोस्त, तुम ना काफिर के सना खान ना मुसलमान के दोस्त, तुम ना इल्हाक के हामी ना कुरान के दोस्त, तुम तो सिक्कों के लिखते हुए झटकारों में अपनी माँ को लेकर आते हो बाजारों में और झटकारों में अपनी माँ को लेकर आते हो बाजारों में और जहीन के खौफ की बुनियाद खाने वाले जुल्म की फसलों को खेतों में उगाने वाले शहरों को बंदूकों से मारने वालों, ईंट की नोक से कंदूकों को उड़ाने वालों, कब तक गुलिस्तान शाखे की टूट गिरगी, कोपल आज ना फूटेगी तो कल फूटेगी, क्योंकि मैं शिकस्ता बा हूं कभी नाकामी शिकस्त हूं। शुक्रिया। ये मेरी मसरत हैं जो कि इस फंक्शन के चीफ गेस्ट भी थे। मिस शहजादी शरीफ स्टेज पर आ जाएं। डॉक्टर वसीम है। मिस अलीला स्टेज पर आ जाएं। एक रोटरी क्लब है, उसके प्रेसिडेंट हैं, फिजिशियन और सोशियोलॉजिस्ट हैं, 32 साल से काम कर रहे हैं। इसके अलावा डायरेक्टर हैं डॉक्टर वसीम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि ब्राय मेहरबानी तशरीफ लाएं और अपने हाथों से इस कार्ड की मेडिकल कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन करें। सबसे पहला कार्ड हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल अजीज तारिक शेख भाई का है, सैयद तारिक शेख साहब। अब मैं आपको इस फंक्शन की के बारे में कुछ बताऊं। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि ये बिहार फाउंडेशन इसको चला रही है और शमा होम स्कूलिंग सिस्टम के तहत जिसके रूरवा शमशुल हुदा साहब हैं, वो तुवा फाउंडेशन में भी है, बिहार फाउंडेशन में भी हैं, बिहार वेलफेयर फाउंडेशन में वो उसके रूल रवा हैं, उस स्कूल को चला रहे हैं। ये स्कूल माशाल्लाह बहुत ही रिमोट एरिया में है, खैराबाद औरंगी के, और इस खुशसलूबी से ये स्कूल चलाया जा रहा है कि बिहार वार वेलफेयर फाउंडेशन को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। इसमें कई मुखय्यर हजरात अपने अपने हिस्सा दरमे दामे डाल रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है और चल रहा है। इसमें आज एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया और जिसके रू रवा डॉक्टर वसीम और डॉक्टर महताब थे। इन दोनों ने बहुत खुशसलूबी से अपने तौर पर एक मेडिकल कैंप यहाँ लगाया जिसमें डिफरेंट टाइप के अमराज की शक्ल वो भी देखी गई और लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इससे बूढ़े बच्चे जवान सब इसमें आए और इसमें बिहार वेलफेयर फाउंडेशन के डॉक्टर हुदा साहब भी थे जो कि वहाँ तुवे फाउंडेशन में भी कर रहे होते हैं, तो वो फिर इनको माशाल्लाह से राय मिली और इसकी सदारत में जो मुसर्रत खालिक ने की, अब्दुल खालिक ने, तो बाकी बहुत सारे मेहमान ग्रामी थे और सबका बड़ा कंट्रीब्यूशन था माशाल्लाह। उसके अलावा हमें यहाँ पे कूलर चाहिए पानी का बच्चों के लिए, जो कि आगे गर्मी आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो एक इलेक्ट्रिक कूलर या कोई ऐसे कूलर रख जाए जो फिल्टर पानी बच्चों को मिल सके। बोरिंग हमने यहाँ पे करा दी है। कुछ रिक्वायरमेंट है, उम्मीद है कि मुखय्यर हजरात इसको पूरा ज़रूर करेंगे और इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे इंशाअल्लाह।
माशाल्लाह ये स्कूल जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और इनके जो तालिब इल्म हैं वो भी माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छी तालीम इनको और तरबियत दे रही हैं।